फैक्ट नंबर वन गाइस, क्या आप जानते हैं कि कई अमेरिकन लोग अपने 50% खर्च में से 25% से ज्यादा खर्च लॉटरी टिकट को खरीदने में लगा देते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी ना तो अमीर लोग खरीदते हैं और ना ही मिडिल क्लास लोग, बल्कि गरीब लोग खरीदते हैं। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो 30,000 से 35,000 रुपए अरेंज करने में उनकी जान निकल जाएगी। मतलब कि उन्हें पता ही नहीं है कि अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और यही चीज उन्हें और गरीब बना देती है। लेकिन गाइस, अगर आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट और मैनेज करना चाहते हैं तो द फाइनेंशियल डाइट की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1,000 से ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए और अपनी ऑडियो बुक सुनने की जर्नी शुरू करिए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि कैसे टाटा की पार की नजर ने 2,00,000 करोड़ की वॉच कंपनी इंडिया में खड़ी कर दी? जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1970 की, जब टाटा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उस वक्त उनकी नजर पड़ी इंडियन वॉच मार्केट पर, क्योंकि उस वक्त इंडियंस को इंटरनेशनल वॉचेस काफी ज्यादा पसंद थी पर वो इजिली मिलती नहीं थी और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। इसलिए टाटा ने साल 1987 में पहली बार टाइटन वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। टाइटन ने कुछ ही साल में इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बड़ा नाम बना लिया था, क्योंकि टाइटन की सर्विसेज दूसरे ब्रांड से काफी ज्यादा अच्छी थी। शायद इसी वजह से एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूरे टाटा के रेवेन्यू का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन टाइटन से आता था। यही नहीं, टाइटन के स्टॉक्स ने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 400 गुना रिटर्न दिया था, और इसी वजह से टाइटन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। गाइस, क्या आपको भी टाइटन की वॉचेस पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 3 गाइस, टेलीविजन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ गाइस, खबरों की माने तो शो में तारक मेहता का रोल निभाने वाले एक्टर शैलेश लोधा जल्द ही इस शो को अलविदा कह सकते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि शैलेश शो में अपने कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनका मानना है कि उनकी डेट्स का इस्तेमाल शो में ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। बहरहाल अब तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शो में जेठालाल और तारक मेहता की केमिस्ट्री, जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, जिसका असर शो की TRP पर भी पड़ सकता है। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि शैलेश अगर ये रोल ना निभाए तो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से इतना पॉपुलर हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।